गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 2.3 ऑफ चैप्टर नंबर 2. ओके, सो लेट अस स्टार्ट दिस एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज इज सब्ट्रैक्ट एंड चेक द रिजल्ट बाय करेस्पॉन्डिंग एडिशन. यहाँ पे एडिशन दिया गया है, इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 3999. ओके, और इसमें सब्ट्रीहेंड क्या है 2678. इसका सब्ट्रैक्शन करने के बाद से हम लोग को क्या करना है, आंसर भी चेक करना है, रिजल्ट चेक करना है. ठीक है, करेस्पॉन्डिंग एडिशन, एडिशन के थ्रू. तो आइए पहले हम लोग सब्ट्रैक्ट करें. 9-8 = 1, 9-7 = 2, 9-6 = 3, एंड 3-2 = 1. ओके, दिस विल बी आवर डिफरेंस. अब इसका हम लोग आंसर चेक करेंगे. चेक, तो चेक करने के लिए क्या हम लोग करते हैं, देखिए इसमें जो हमारा डिफरेंस आया है, डिफरेंस को हम लोग क्या मान लेंगे, एडेंड मान लेंगे, फर्स्ट एडेंड. और इसमें जो सब्ट्रीहेंड वह है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड एडेंड मानेंगे. ओके, और अब इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, सम फाइंड करेंगे. ठीक है, 1+8 = 9, 7+2 = 9, 6+3 = 9, एंड 2n+1 = 3. तो इनका सम हम लोग को क्या मिला, ये जो इसका मिन्यूंड था सब्ट्रैक्शन का, यह मिन्यूंड हम लोग को क्या मिला, इसका सम मिला. तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये जो हमारा सब्ट्रैक्शन है क्या है, 100% करेक्ट है. ठीक है, इस तरह से हम लोग चेकिंग करते हैं. इसी तरह से अदर क्वेश्चंस को हम लोग कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकेंड है इसमें, What must be added to 84,76,251. ओके, इस नंबर में हम लोग क्या ऐड करें कि हम लोग को क्या मिल जाए, सम. सम क्या मिले, सम हम लोग को ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर मिले. ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर का मतलब 9, 9, 9, 9, 9, 9 एंड 9, 7, 9 होना चाहिए. ओके, इट मीन्स यहाँ से हम लोग को क्या मिला, 99,99,999 मिल जाए. तो हम लोग सपोज कर लें कि इसमें हम लोग क्या ऐड करें, एक्स ऐड कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा. ठीक है, ये नंबर दिया था और कहा था कि इसमें कौन सा नंबर ऐड करें ताकि हम लोग को ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर मिल जाए. तो हमने मान लिया कि एक्स हम लोग ऐड करेंगे इस नंबर में, तो हम लोग को क्या मिलेगा, इतना मिल जाएगा. अब ये वैल्यू इधर क्या है, प्लस में है, जब साइड चेंज होता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है. दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू 99,99,999 - 84,76,251. दिस इम्प्लाइज सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 में से ये 1 जाएगा, क्या बचेगा, 8. फिर 9 में से ये 5 जाएगा, 4. फिर 9 में से 2 जाएगा, 7. फिर 9 में से 6 जाएगा, 3. फिर 9 में से 7 जाएगा, 2. फिर 9 में से 4 जाएगा, 5. फिर 9 में से 8 जाएगा, 1. तो इस तरह से x का आंसर आ गया, यानी कि 15,23,748 नंबर होगा, जिसको इसमें हम लोग प्लस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 7 ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर मिल जाएगा, ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर मिल जाएगा. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे. क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स. डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, लार्जेस्ट नंबर 4 डिजिट क्या होगा, 9999. ये लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर हो जाएगा. ठीक है, तो डिफरेंस किसका किसका लेना है हम लोग को, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट. स्मॉलेस्ट नंबर 6 डिजिट क्या होगा आपका, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, ये लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है. ओके, और हम लोग को लिखना है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर. तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर का मतलब क्या हो जाएगा, 1 लाख. ओके, ये स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर होगा, 6 डिजिट
नंबर ओके। अब इनका डिफरेंस फाइंड करना है, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 लाख क्या होगा, 9999 से ग्रेटर होगा, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पे 1 लाख ये आपका क्या हो जाएगा, मिन्यून का काम करेगा, और 9999 ये क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट का काम करेगा। तो यहाँ से देखिए 10 माइनस 9 1 0 0 एंड 0, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 9 9 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 9 हो जाएगा, ये क्या बचेगा, 0 बचेगा ओके। इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया, डिफरेंस आ गया ठीक है। यहाँ पे जैसे 0 के पास कुछ नहीं था तो ये इससे लिया, इसके पास भी नहीं, ये इससे लिया, ये इससे लिया, ये इससे लिया, ये इससे, तो यहाँ 0 बचेगा, ये 10 हो जाएगा, एक देगा तो यहाँ 9 बचा, फिर से यहाँ पे 9 हो जाएगा, ये किसको देगा, तो फिर यहाँ भी 9, फिर ये इसको दिया यहाँ 9, ये एक इसको दिया तो ये 10 हो गया, तो 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0 एंड 9 हियर ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 ठीक है, ये हमारा डिफरेंस हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 इज फिल इन द बॉक्सेस बाय यूजिंग करेक्ट डिजिट्स। देखिए यहाँ पे बॉक्स को क्या करना है, फिल करना है करेक्ट डिजिट के हेल्प से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है, देखिए कहाँ कहाँ बॉक्स है, 7 6 बॉक्स ओके, एंड 7 5 7 एंड 4 ओके, माइनस ये गैप है, यहाँ पे क्या है आपका 8, यहाँ पे क्या है 9, यहाँ पे क्या है बॉक्स ओके, यहाँ पे क्या है आपका 9 9, और फिर से यहाँ पे क्या है बॉक्स ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या दिया है 5, यहाँ पे दिया है 7, यहाँ पे दिया है एक बॉक्स, फिर से 3, फिर से दिया है 0, फिर से 8, और फिर से क्या है बॉक्स। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 4 और 4 में से किस नंबर को हम लोग माइनस करें ताकि हम लोग को क्या मिल जाए, 5 मिल जाए। तो 4 में से किसी भी नंबर को हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोग को 5 नहीं मिलेगा। तो ये यहाँ से एक क्या ले लीजिए, एक बोरो ले लीजिए, तो यहाँ पे 6 बचेगा, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 14 हो जाएगा। अब 14 में से किस नंबर को हम लोग माइनस करें ताकि हम लोग को 5 मिल जाए, तो 14 में से हम लोग क्या करें, 9 को माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 14 माइनस 9 इज इक्वल टू 5 ओके। अब यहाँ पे देखिए 6 6 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 कैरी लेगा इसे, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और ये क्या होगा, 16 होगा, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7 ओके। यहाँ पे 4 4 माइनस 9 क्या होगा, यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, तो अब हम लोग इस यहाँ से क्या लेंगे, एक बोरो लेंगे, यहाँ पे 6 होगा और ये 14 हो जाएगा, 14 माइनस 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 ओके। अब यहाँ पे देखिए 6 6 में से किसको माइनस करें ताकि 3 मिल जाए, 6 में से 3 को माइनस करेंगे, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे कौन सा नंबर रखें ताकि उसमें से 9 को सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिले, 0 मिले, तो सेम नंबर को सेम नंबर में से माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0। अब यहाँ देखिए 6 माइनस 8 इज नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पे एक बोरो लेगा तो यहाँ 16 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8 एंड 6 6 हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो भी बॉक्स है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया ठीक है। इस तरह से अदर क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी इसके इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।